नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने मई और जून में अपने गार्डन के लिए कुछ शॉपिंग की है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं पहले भी खरीद चुकी हूँ और मुझे पसंद आई हैं, काफ़ी पसंद आई हैं, तो इसलिए मैंने वो फिर से तीसरी बारी उन्हें खरीदा है। और कुछ एक जो मैं पहली बारी खरीद रही हूँ और इस्तेमाल किया है, तो मुझे तो ठीक लगा है, तो मैं वही जानकारी दूंगी। तो अभी जो नई चीज़ आइटम मैंने जो ख़रीदा है अमेज़ोन से, ये आप डिब्बा देख रहे हैं, बहुत ही छोटा और हल्का, एक ही हाथ से मैं इसे उठा ले रही हूँ। ये तो इस डिब्बे में क्या है ऐसा मेरे गार्डन के लिए? तो मैंने जो ख़रीदा है वो रिचार्जेबल मिनी टेबल फ़ैन विद एलईडी लाइट। तो वो कैसा है तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही हल्का, ये देखो एक ही हाथ से ये उठने वाला ये ऐसा फ़ैन है। तो ये जो है बैटरी से भी चल जाता है, और ये आप इस तरह से लाइट से लगा के भी इसे कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। बहुत ही हल्का है ये, एक हाथ से आप उठा के अपने गार्डन में कहाँ भी कहीं भी आप रख सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो फ़ैन है इसमें क्या क्या है, तो इस डिब्बे में था ये, इस डिब्बे में से मैंने निकाल लिया है ये। और ये कितने का पड़ा ये भी सब मैं बताऊंगी। पहले इसके बारे में मैं बता दूं कि ये मुझे किस तरह से इस्तेमाल होता है, और आप अपने गार्डन में कैसे इसे कहाँ कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। ये जो मिनी टेबल फ़ैन मैंने अपने गार्डन के लिए मंगवाया है, ये 2 in 1 है। तो ये जैसे कि मैं अभी बता रही थी, ये इलेक्ट्रिक से भी चल जाता है और ये बैटरी से भी आराम से ये चलता है। और इसमें जो ये इसका जो वेट है, ये बहुत ही लाइट वेट है, ऐसे आराम से आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसे और रख सकते हैं। क्योंकि गार्डन में जब हम काम करते हैं, लाइट वेट होने के कारण आप अपने गार्डन के किसी भी कोने में इसे रख सकते हैं, ऐसे उठा सकते हैं आप, ऐसे इस तरह से उठा सकते हैं। मैंने इसको इस्तेमाल किया है और मुझे मुझे तो ठीक लगा है। तो और ये जो पंखुड़ी वाला ये हिस्सा है जो इसका जो ये साइज़ है, इसका साइज़ जो 7 इंच है। और इसकी फ़ैन की जो स्पीड है, ये चलता है, इसकी 2 स्पीड है, एक हाई और एक लो। और इसी तरह से इसकी लाइट भी जलती है, एलईडी जो लाइट मैंने बताया उसकी उसकी भी 2 स्पीड है, एक हाई और एक लो। तो ये मैं दिखाती हूँ, ये जैसे कि ये एक ये फ़ैन की ये स्विच लगा है और ये लाइट वाला। तो इन्हें जैसे ये एक बार ये चलाऊंगी, ये मैं ये ऑन किया यहाँ से, ये इतनी स्पीड है इसकी। और एक बार दोबारा इसको मैं फिर करूँगी ऑन यहीं से इसी स्विच से, तो इसकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, ये तेज, ये आप देख रहे हैं। और इसके साथ ये एलईडी ये वाली ये अगर चलाना चाहे, अब इसको मैं एक बारी करूँगी तो ये यहीं से ऑफ हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये देखा आपने। और मैं सही से दिखाती हूँ ज़रा इसको ना ऊंचा करके, ताकि पूरा आपको ऐसे नज़र आए। और इसी तरह से ये एलईडी वाली ये वाला स्विच है इसका, तो इसको मैं ऑन करूँगी, ये इतनी रोशनी है। अब दिन का टाइम है, आपको ठीक से नहीं पता चलेगा, और ज़्यादा तेज करनी है, फिर एक बारी और दबाऊँगी तो ये ज़्यादा तेज़ रोशनी होगी, बहुत तेज़ होगी ये, और इसको फिर ऑफ कर देना है। और इनको हम दोनों को जैसे शाम का टाइम है, तो आजकल मेरे यहाँ खूब लाइट जा रही है, और कई बार जैसे लाइट रात के टाइम चली जाती है, तो इस पंखे को आप रख सकते हैं। अकेले पंखे का भी इस्तेमाल जैसे कि मैंने अभी बताया कर सकते हैं, और लाइट का भी इस्तेमाल, और दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइट चलाना चाहें साथ में, और साथ में ये पंखा पंखे वाला स्विच ऑन कर देंगे, तो ये दोनों चीज़ें चल पड़ेंगी। और एक अकेले के लिए तो मैंने बता ही दिया, और फिर इस तरह से ऑफ कर, ये तेज हो गया पंखा हमारा, और अब वो एक बारी और फिर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ये अब हमारी लाइट रहेगी। और फिर इसको स्विच ऑफ इसका करेंगे एक बारी, तो ये तेज वाला, फिर एक बारी और ये ऑफ हो गया, ये देखा आपने। तो इस तरह से है, बहुत ही आरामदायक। आगे क्या क्या है
ये चीज़ें तो मैंने बता दी कि दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो इसकी ये वर्टिकल इसको अगर एडजस्ट करना चाहें तो ये ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे, ये इस तरह से, ये मैंने जैसे किया ये इस तरह से, ये इस तरह से ये नीचे हो गया और ऐसे हो गया, जैसे मर्जी। और दीवार पे भी टांगना चाहे तो ये ऐसे टांग सकते हैं इसे पूरा पीछे ले जाके, और चाहे तो इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं, रख सकते हैं ये टेबल फैन की तरह से बना के, कहीं भी आप रख लो। ये दोनों चीज़ें इसकी हो गई। अगर तो आप इसको ये लो पे चलाएंगे, बैटरी पे चलाएंगे, लो इस्तेमाल करेंगे, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये 7-8 आवर्स जो हैं आपकी रोशनी देगी। और अगर फ़ैन को आप चलाते हैं बैटरी पे, लो पे चलाते हैं, तो वो 3 घंटे आपका चलेगा। अगर दोनों चीज़ें बैटरी पे इकट्ठी चलाते हैं, ये भी चलाना है आपको, एलईडी लाइट भी चलानी है और फ़ैन भी चलाना है, तो फिर ये 2 घंटे आपका बैटरी पे चलेगा। और चार्जिंग के लिए जब आप इसे इलेक्ट्रिक पे लगाएंगे, इसे करेंगे चार्ज करेंगे, तो फिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे करना है, इसे 8 से लेके 12 घंटे तक आपको ये जो है चार्ज करने के लिए करना पड़ेगा, और फिर इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यही है। और डिलीवरी चार्जेस डाल के मुझे ये पड़ा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, 769 का, ये देख रहे हैं आप, ये 769 का मुझे पड़ा है। और ये कहाँ से आया है ये सब मैं आपको बताती हूँ। अमेज़ोन से मैंने ख़रीदा है। और ये तो आप अमेज़ोन पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं, और ये आपको पूरी जानकारी ये सब मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं पसंद हो तो वो फिर आपकी अपनी इच्छा है। तो ये है, मैं बस ये पंखे के बारे में यही है। मैं इसका डिब्बा वगैरह ये आपको दिखा देती हूँ, किस तरह की पैकिंग थी इसमें और कैसी आया है। और हल्का है, बहुत बहुत ही हल्का, मुझे तो लग रहा था कि बड़ा भारी होगा उठाने, जब जैसे इसका ये डिब्बा आया तो इसे उठाना बहुत ही आसान। ये इस तरह से ये निकला है इस डिब्बे के बीच में, ये देख रहे हैं आप, पोर्टेबल लेड लाइट विथ मिनी फैन, ये इस तरह से। तो ये आप मंगवाना चाहें और मंगवा सकते हैं, बहुत ही हल्का लाइट वेट। और दूसरी जो ये एक चीज़ होगी मेरी, ये मैंने मई में मंगवाया था, मैं इस्तेमाल करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि इस्तेमाल करके देखूं, अगर मुझे पसंद आएगा तो फिर मैं आपको जो भी जैसी भी चीज़ होगी तो मैं फिर आपको आपसे शेयर करूंगी। और ये पोर्ट जैसे कि दिखाती हूँ अभी नज़दीक से आपको। और दूसरा जो प्रोडक्ट मैंने अभी ये जून में लिया है, तो ये मल्होत्रा वालों के जो ये पोर्ट मैंने पहले भी 2 बारी खरीद चुकी हूँ, तो एक सेट में ये 3 आते हैं, इस तरह से ये 3 आते हैं और ट्रे भी 3 साथ में। तो एक मैंने ये खोल लिया है, ये 3 ट्रे हैं उसके साथ, तो बहुत ही मजबूत लगा मुझे इस तरह से। ये एक पोर्ट, 2 पोर्ट मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, ये जो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो अभी कुछ दिन पहले बनाया था, 1-2 दिन पहले, तो ये पोर्ट है, ये 2 पोर्ट मैंने इस्तेमाल कर लिए और 1 पोर्ट अभी निकाला है। बस इस बार इन्होंने चेंज क्या किया है, ये पैकिंग इन्होंने चेंज कर दी है, पहले जैसे वो गत्ते के डिब्बे में पूरे पैक होके आते थे, अब इन्होंने इस तरह की पैकिंग कर दी है। और बाकी मटेरियल तो मुझे सेम ही लग रहा है, मजबूत हैं ये। तो इसमें भी एक सेट में 3 पोर्ट और ये 3 ट्रे, और ये अभी मेरा बंद है, ये मैंने अभी खोला नहीं है। तो वैसे इस पे जो रेट उन्होंने लिखा है ऐसे 1600 लिखा है, और एक सेट का जो मुझे रेट पड़े हैं वो 771, ये है अमेज़ोन से। और ये रेट दिखाती हूँ आपको, 771। तो ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि जो मैंने
लास्ट टाइम खरीदे थे उससे कुछ थोड़े से ज़्यादा रुपए लगे हैं, 700 तो लगे थे, पर मेरे ख्याल से 71 नहीं लगे थे, इससे थोड़े कम लगे थे। अब मुझे ठीक से याद नहीं है, वो वीडियो देखना पड़ेगा फिर मुझे याद आएगा। तो इसके बारे में इसलिए जानकारी नहीं दे रही हूँ, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए जो मैंने पता नहीं अप्रैल महीने में शॉपिंग की थी या मई में की थी, मेरे ख्याल से अप्रैल में की थी, उसमें मैंने ये पोट जो वो इस्तेमाल कर चुकी हूँ। वो अलग से खरीदे थे, कुछ दो तीन तरह के खरीदे थे, उनमें एक सेट खरीदा था, तो अभी इस बार ये दो सेट और खरीदे हैं, तो ये टोटल मेरे पास हो गए हैं 12 पोट हो गए हैं इस तरह से। ये मेरे को बड़े पसंद आए हैं, और इनमें बस फ़र्क ये पड़ा है, मैंने तेज़ धूप में जुलाई महीने में मैंने लास्ट ईयर जुलाई महीने में मैंने मंगवाए थे, और पूरा टाइम ये छत पे धूप पे पड़े हैं और अच्छे चल रहे हैं, बस कलर इनका थोड़ा हल्का हो गया है, बाकी इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ही रफली मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो होप करती हूँ कि आज की मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये इनकी साइट पे चले जाइए अमेज़ोन पे, और ये पोर्ट तो आपको ये दिख जाएंगे इस तरह के, और फ़ैन का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 769 ये मुझे फ़ैन के पड़े हैं, और ये मुझे ये पोर्ट के एक सेट के 771 इतने पैसे पड़े हैं। तो करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई ख़रीदना चाहते हैं या जब उनका जैसा भी मन करे, तो जो मैंने ख़रीदा मैंने बस उसकी जानकारी दी है। नमस्ते जी।